दादरा नगर हवेली की रांधा पटेलाद में प्रशासन के राजस्व विभाग द्वारा एक खास शिविर का आयोजन करने में आया था, जिसका जिला पंचायत की अध्यक्षा और पंचायत के सरपंच एवं सदस्यों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया था। जिला पंचायत अध्यक्षा निशा भवर ने बताया था कि रांधा पंचायत द्वारा तहसीलदार को लिखित में जानकारी देने में आई है कि जब तक सांसद स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर आत्महत्या मामले में उनके द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट के आधार पर हुई FIR में जिनके नाम है उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई पूरी न हो, तब तक प्रदेश की सभी पंचायतों में किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों अथवा शिविरों का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा रांधा पटेलाद में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। जिसके ऊपर FIR है पद से हटा दो। नाम से पद से हटाओ आरोपी नु, नाम से पद से हटाओ आरोपी नु, नाम से पद से हटाओ। आज यहाँ पर एक शिविर हो रहा था, जिसके लिए हमने कल ही जो हमारे पंचायत मेंबर्स है, सरपंच है, उन्होंने कल ही मैसेज सर्कुलेट कर दिया था कि जिन जिनका FIR में नाम है, मोहन भाई के सुसाइड नोट में जो नाम था, जो FIR में भी नाम जो सामने आया है, अगर वो अपना पद मुक्त नहीं करते तब तक पंचायत के सभी कार्यों से बहिष्कार करेंगे पंचायत मेंबर्स, ऐसा कल मैसेज सर्कुलेट हुआ था। और यहाँ पर भी मामलेदार को भी मैसेज लेटर दिया था, क्या हम यहाँ रांधा पंचायत से गया हुआ था लेटर के शिविर नहीं होना चाहिए करके, फिर भी आज यहाँ पर ये शिविर हो रहा है। ये स्कॉलरशिप का है, इनकम सर्टिफिकेट जो इशू करते हैं, वो सारे चीजों का है, शिविर हो रहा है। ए शिविर रद्द करवा माटे लेटर आपेलो तो हमारा सभ्य चूंटायेला सभ्य ने आवी ने मने रिक्वेस्ट करे के आ शिविर रद्द करवा मा आवे। सेना माटे रद्द करवा मोहन भाई ने न्याय ज्यां सुधी नहीं मळे त्यां सुधी आ अहीं सरकारी कोई भी कार्यालय नहीं थवुं जोईए। सुनाम आपने अहीं बे दिवस पहला रेवन्यू केम्प माटे मामलतदार साहेबे जाण करी, अमे ना पाड़ी के ज्यां सुधी सौ श्री मोहन भाई ने न्याय नहीं मळे त्यां सुधी एवो कोई कार्यक्रम थवो नहीं जोईए रांधा पटेलादमां। કેમ કે એક અમારા માટે દુઃખની લાગણી, દુઃખની વાત છે કે અમારા રાંધા પટેલાદમાં સૌ મોહનભાઈને એટલી લોક ચાહના હતી અને એ હમણાં એમનો અપમૃત્યુ થયો અને થોડા જ દિવસમાં પ્રશાસનને તાત્કાલિક આ કેમ્પ ગોઠાવ્યો, તો અમે ગામ લોકો અને પંચાયતના તમામ ચૂંટાયેલા મેમ્બરોએ એક મિટિંગ લઈને એવું નક્કી કર્યું કે આ તાત્કાલિક નહીં થવા જોઈએ। એ લોકોએ જે લોકોના નામ છે એ લોકો એમના અંડરમાં આ કેમ્પ થાય રેવન્યુ કેમ્પ, તો જેમના નામ છે એ લોકોને નહીં હટાવે અને જે એમને સસ્પેન્ડ કે પછી એમને પદમુક્ત નહીં કરે ત્યાં સુધી આવા કોઈ બી કેમ્પ રાંધા પટેલાદમાં નહીં થવા જોઈએ એવા પંચાયત તમામ પંચાયત બોડીએ એક ઠરાવ પાસ કરીને મામલતદાર સાહેબને ગઈકાલે અમે એક લેટર આપ્યો। એમનો તાત્કાલિક જવાબ એવો આવ્યો કે પહેલાં તો ના કરી, અમને અંધારામાં રાખ્યા અને પછી પાછળથી કહેવામાં આવ્યું કે કેમ્પ તો રાખેલો જ છે, તો અમારી એક જ માંગણી હતી કે આ કેમ્પ નહીં થવા જોઈએ જ્યાં સુધી એમને ન્યાય નહીં મળે। અમે એ લોકોને બધા જ જે વાલી સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોના વાલી સાથે પણ ચર્ચા કરી, મોહનભાઈ માટે જો મોહનભાઈના ન્યાય માટે એકવાર અમને દાખલા નહીં મળે તો ચાલશે, એ વાલી લોકોનું સ્ટેટમેન્ટ છે પંચાયતમાં, એટલે એ લોકો પોતે અમે કઢાવી લેવું, પણ આવા કેમ્પ નહીં થવા જોઈએ એવું બધા જ ગામ લોકોનું કહેવાનું છે। પટેલાદ મેં રેવન્યુ કેમ્પ કરતે હૈ, रेवेन्यू कैंप में हमारे जितनी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सेवाएँ सभी जात के जो प्रमाण पत्र हैं, वो चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, OBC सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो हम इशू करते हैं। इसके अलावा वारसाई प्रमाण पत्र, भागला और सर्वे डिपार्टमेंट का जो भी सेवाएँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है वो हम हर कैंप में देते हैं। हमारा कैंप करने का पर्पज़ यही है कि जो लोग रांधा जैसे आदिवासी विस्तार से
सिलवासा तक आते हैं तो उनका रिक्शा भाड़ा बस भाड़ा लगता है और दिन भी ख़राब होता है। फिर वो उधर सिलवास में आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उनका उसी दिन काम ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हम प्रशासन आपके द्वार के तहत उनके गांव में ही आके कैंप लगाते हैं और उनको सुबह एप्लीकेशन लेते हैं, दोपहर के बाद जो जितनी भी सर्विस है उनको शाम को हम सर्टिफिकेट जो है वो इधर ही देके जाते हैं, तो इससे आम पब्लिक को बहुत लाभ मिलता है। सर अभी तक सुबह से कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? अभी तक मैंने डाटा लिया नहीं है, जैसे आप देख रहे हो तो पब्लिक तो काफ़ी है। जैसे ही शाम को हमारा 5 बजे कैंप खत्म होगा तो एक प्रेस नोट दे दिया जाएगा, उसमें पूरी डिटेल रहेगी कि कितने एप्लीकेशन आया, कितने का निपटारा किया हम। सर कुछ पंचायत के विरोध करने आए उनको क्या कहना है? देखिए वो हमारा ये जो कैंप लग रहा है ये पब्लिक की सेवा के लिए लग रहा है, इसमें यहाँ के लोगों को ही लाभ मिल रहा है। जो आय कर प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं उनका वैलिडिटी मार्च 2022 तक है, तो उनका पूरा साल वो सर्टिफिकेट काम आएगा। कुछ जैसा कि आपने पूछा, कुछ सदस्य आए थे उनसे मैंने बात किया है और वो भी लोग जानते हैं कि पब्लिक के लिए काम हो रहा है और वो लोग मिलके गए, उन्होंने अपना जो भी मेरे को बोल जो भी जानकारी मेरे को दिया, जो भी उन्होंने मेरे को बोला है वो मैं अपने उच्च अधिकारियों के उनकी बात जो है पहुँचा दूँगा।